पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की टीम में शामिल हो गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान गौतम गंभीर ने कहा कि मैं जेटली जी और रविशंकर प्रसाद और बीजेपी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस सेवा का मौका मिला है। मैं वाकई में पीएम मोदी और उनके नजरिए से प्रभावित हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब तक मैंने क्रिकेट टीम के लिए योगदान दिया और अब देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि गंभीर राजनीति में उतर सकते हैं। वे ट्विटर पर अक्सर अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते दिखाई देते थे और चर्चा ये भी है कि उन्हें दिल्ली से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वह मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि गौतम गंभीर अब खेल के बाद राजनीति में शामिल हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नई दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। लगातार उनके ट्विटर के माध्यम से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कभी भी राजनीति में उतर सकते हैं और आखिरकार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।